अबू, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि मैं अभी भी कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। मैं जानबूझकर तुम पर जुल्म नहीं कर सकता। शाजिया की किए की सजा शाजिया को मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। समरा, तुम छत पे क्यों जा रही हो? मैं नहीं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा, वो तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। क्यों? मुझे क्या पता क्यों बुला रहे हैं। मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? मुझे क्या पता मुझे भी पकड़ के मारना शुरू कर दे। दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? तुम्हें क्यों मारेंगे? तुमने ऐसा क्या किया? जाओ जाके उनकी बात सुन लो। मारेंगे। अब्बू, बुलाया आपने? हाँ बेटा, आ जाओ। समरा बेटा, तुमने मुझे उस वक्त जिंदगी बख्शी जब मैं मौत की तमन्ना कर रहा था। एक बेटी ने दुनिया के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया और दूसरी बेटी ने फख्र से मेरा सीना चौड़ा कर दिया। बेटियां ऐसी भी होती हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सदा आबाद रहो। लेकिन अब्बू, आपसे एक बात कहूं? बोलो। हम ताई अम्मी से बात कब तक छुपाएंगे? बेटा, जब तक छुपा सकते हैं तब तक। और अगर वो लोग किसी तरह जान गए तो? कैसे जान पाएंगे? घर से कोई बताएगा तो पता लगेगा ना उन्हें। और तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। अबू, आप ऐसे ही भरोसा शाजिया पे भी करते थे, मगर शाजिया ने आपके भरोसे का क्या किया? ये बात आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ अबू, कि आज नहीं तो कल ताई अम्मी को सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो तो हम सब जानते हैं। तो ताई अम्मी से छुपाने का कोई फायदा नहीं है, और अगर पता चल गया तो फिर वो बात मत दोहराओ जिससे मुझे तकलीफ होती है। अबू, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि मैं अभी भी कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। बाद में जो बदनामी और रुसवाई होगी वो आप सह नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि हकीकत जानने के बाद भाभी शाजिया के किए की सजा तुम्हें नहीं देंगी? है कोई गारंटी? नहीं है ना। मैं जानबूझकर तुम पर जुल्म नहीं कर सकता। शाजिया की किए की सजा शाजिया को मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? जाहिर सी बात है समरा, उसे शक तो होना ही था ना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम मेरा हौसला बढ़ाओ, इसलिए फोन नहीं किया कि तुम मुझे डराओ। अच्छा ना, सॉरी। वैसे मम्मी को भी शक हो गया। तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? तुम जितना डरोगी ना समरा, उतना ही उसका शक यकीन में बदल जाएगा। उसे यकीन हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जाओ, उसका शक खत्म करो, फेस करो उसे। कह तो तुम ठीक रहे हो समरा। समरा, तुम पहले खुद तो रिलैक्स करो, फिर जाना। मैं भी जा रहा हूं अम्मी के पास, उनके शक को यकीन में बदल। तुम तो डफर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। जब मैं बुला रही थी टाइम से आ जाते ना। अच्छा ना, लड़ क्यों रही हो? चलो ठीक है। अच्छा सुनो समरा, I love you. I love you too. कहाँ जा रही हूँ? अब्बू के पास।
अब्बू के पास क्यों जा रही हो? कुछ लोगों की असलियत बताने, कुछ चेहरों को बेनकाब करने। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझ पे शक है? इतना घुमा फिरा के बात क्यों कर रही? शक होता तो तुमसे बात करती, अब्बू के पास नहीं जाती। तो तुम्हें यकीन है? ये यकीन किसने दिलाया तुम्हें? बताओगी, इस काबिल भी नहीं हूं मैं। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे बात भी की जाए। तुम सबसे पहले मुझे मेरा कसूर बता दो, उसके बाद बेशक बात मत करना। हो सकता है हकीकत जानने के बाद तुम मुझे फेस ना कर सको, मुझसे माफी भी नहीं मांग सको। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम्हारी बात का कोई यकीन करेगा। कहां गई थी उस रोज तुम मेरी शॉल लेकर? पहली दफा पहन के गई थी? और तुम किस दिन की बात कर रही हो? मासूम नहीं बनो समरा, अच्छी तरह पता है तुम्हें मायूस से एक रोज पहले की बात कर रही हूं मैं। कुछ दिन पहले भी तुम घबराई हुई आई थी ना घर, क्यों? साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बात यह है कि तुम ही हो जो सलमान से बात करती हो। शासिया बनकर तुम ही ने मेरा फोन चुराया, तुम ही ने उसे मेरा नंबर दिया, और उस दिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों थी? छुपा रही थी ना मेरा, कितनी बेवकूफ हूं। सब कुछ मेरी नजरों के सामने हो रहा था, अचानक से मेरा फोन गायब हो जाता है, अचानक से खुद ही मेरा फोन मिल जाता है। क्यों सबरा, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? शादी बस, समरा देखिए मेरे रांझना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।